बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ये। अभी तक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। अच्छा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर अगर आता था तो हम क्या करते थे, उस ट्राइंगल को टेंथ में ही होता था एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालना पड़ता था। तो उस ट्राइंगल को हम क्या करते थे, दो कोऑर्डिनेटर को दो ट्राइंगल में डिवाइड करते थे, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देते थे तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आ जाता था। लेकिन इससे भी आसान ट्रिक से हम एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। देखिए, अगली हेडिंग हमारे पास है एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। अब मान लीजिए हमारे पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, ये हमारे पास कोई भी एक एन साइडेड पॉलीगॉन है इस तरीके से, डैश 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 मतलब एन साइड है। ये हमारे पास फर्स्ट इसका है A1, इसके कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वर्टेक्स के x1, y1। सेकेंड वर्टेक्स है A2, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। थर्ड वर्टेक्स है A3, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x3, y3। फोर्थ वर्टेक्स है इसका A4, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है x4, y4। और डैश 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 इसका nth वर्टेक्स है AN, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है xn, yn। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक से आप एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख लेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, डैश 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 xn, yn। ठीक है, अब जो x1, y1 था वो फिर से लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, x1, y1। ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, बस ऐसे दो डंडे लगा रखे हैं मैंने, उसका मतलब डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो ब्रैकेट बना लो, नहीं तो कन्फ्यूजन रहोगे डिटर्मिनेंट है। ये ऐसा हमने लिख लिया, आगे लिखा हुआ है हाफ, इससे हम एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करना, अभी हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल की जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे राम 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 ऐसा, फिर माइनस करके लीला 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 ऐसा है ना। तो पहले राम राम करें अपन, तो x1, y2 + x2, y3, फिर + x3, y4, और लास्ट में क्या हो जाएगा, + xn, y1। ये तो राम हो गए, अब लीला आ जाओ, तो लीला 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 ऐसे, तो माइनस लीला माइनस में जाएंगी, तो -x1, yn - xn, सही है ना, xn, yn - 1। सिमिलरली डैश 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 -x3, y2 - x2, y1। ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है एरिया पॉजिटिव होता है तो हम मॉड लगा लेंगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको कोई भी पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन दिया है तो उसका एरिया निकालने का, कोई भी एन साइडेड पॉलीगॉन के अगर वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप इस कंसेप्ट से उसका एरिया निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको।